Hello students, in the last video we have done the starting of chapter number 1 of class 10th, where we have learned that how a reaction takes place or how do we come to know that a reaction has taken place, ki hame kaise pata lagta hai ki wo reaction hua hai. Then we studied about skeletal chemical equation. And then we learned how to balance a chemical equation. Now, after all this, we have our next topic, that is types of chemical reaction. So here we are going to study about different types of chemical reaction. Majorly, agar hum baat kare to hamare paas char type ki chemical reactions hoti hain. One is combination reaction, then is decomposition, displacement and double displacement. Rest is fifth here shown is oxidation and reduction reaction. This reaction can take place in any of the above reaction. Oxidation or reduction jo hai wo kisi bhi reaction mein ho sakti hai. Combination, decomposition is a different thing. Mainly we have to study these four types of chemical reaction. So first is combination. By the name, hum name se hi pata lag raha hai that combination word is made up of combine word. Combine which means to join. So jab do ya do se zyada substances react karenge, theek hai, then they will form a product which is called as combination reaction. यहाँ पे वी कैन सी दैट टू रिएक्टेंट्स आर देयर एंड अ सिंगल प्रोडक्ट. सो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दे कैन बी थ्री ऑल्सो. वो मिलके जब हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, अ न्यू सब्सटेंस बनेगा, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Combination reaction में major example we can consider over here taking calcium oxide plus water. Calcium oxide plus water which gives us the product calcium hydroxide and heat. हीट को हम ट्राइंगल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे CaO को बोलते हैं क्विक लाइम. क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ स्लेट लाइम बनाता है और साथ में हीट जनरेट होती है. हीट बाहर आ रही है. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर है, हीट हम प्रोवाइड नहीं कर रहे. जो CaO होता है, क्विक लाइम जो हम घर में वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं ना, ये वही है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी में चूना भी बोलते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जब जैसे ही हम, आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, राइट. तो वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम उसको गर्म थोड़ी करते हैं, वो अपने आप हो जाता है. सो दैट प्रोसेस, जिसमें अपने आप हीट बाहर आती है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है. सो कॉम्बिनेशन टाइप, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट हमारे पास बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्लेट लाइम बोलते हैं, जो कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड से बना है, ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड से बना है, उसमें वाटर डालने पे. अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसे हमने पेंट कर लिया, पेंट करने के बाद वी नो दैट कि हमारी वॉल पे दो या तीन दिन बाद वो जो वॉल होती है वो शाइन करना स्टार्ट करती है, आफ्टर 2 or 3 days. सो वाई दैट सो, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है पेंट करने के बाद, वो हमारी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करने के बाद इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट.
CaCO3 बना देता है साथ में वाटर। और जो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मार्बल। मार्बल यू नो, मार्बल जो यूज होता है CaCO3, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मार्बल ऑल्सो। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वी कैन हैव मेनी मोर क्वेश्चंस, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर, कि हाउ क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर। सो यू हैव टू शो क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट फॉर्म्स स्लेक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaO क्या होता है, क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड एज स्लेक लाइम। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल। अ क्वेश्चन कैन कम, व्हाई द वॉल शाइन्स आफ्टर वाइट वॉशिंग 2 or 3 days? सो यू विल राइट दैट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, CaCO3 की फॉर्मेशन हो जाती है एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ मार्बल। वन मार क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस। ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ व्हाट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ठीक है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें हीट जो है वो बाहर आ रही है, एक्सटर्नल आ रही है, एक्सो। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी विल स्टडी अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डिफरेंस आफ्टरवर्ड्स। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction, decompose, you can check from here, decomposition, decompose means to break. So decomposition reaction में क्या होने वाला है, एक substance से ज़्यादा substances बनेंगे, दो भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, can so and so. So decomposition in this reaction, a single compound breaks down to produce 2 or more substances. Okay, this is a decomposition reaction. और सबसे important बात, decomposition reaction अगर हमें करना है, किसी भी चीज़ को अगर हमें break करना है, तो उसको break करने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ form में energy जो है वो provide करनी पड़ेगी। We have to provide it energy. Energy कैसे provide करेंगे उसको, energy जो है वो heat की form में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, इस सब्सटेंस को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय हीटिंग, गिविंग करंट और बाय लाइट। लाइट मीन सनलाइट। ठीक है, किसी भी चीज़ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हम इसमें एनर्जी और हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। पिछले वाले रिएक्शन में हमें हीट मिल रही थी अपने आप, और यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल बी अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज इन दिस हीट इज हीट जो है इन्वॉल्व हो रही है। राइट, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट हमें अपने आप मिल नहीं रही है। सो बाय दिस 3 types, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, जब हम किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे, तब उस रिएक्शन को बोला जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन वी विल यूज इलेक्ट्रिसिटी, देन इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एंड व्हेन we will use light or sunlight, then it will be called as photo decomposition reaction. So decomposition can be of 3 types, from heat, thermal decomposition, from electricity, electrolytic decomposition, and from light, it can be photo decomposition. So first method is by using electricity. Now we are using electricity for decomposing water, right? अब water को हम decompose कर रहे हैं, कैसे decompose करेंगे water को? Water में क्या क्या होता है? Water में hydrogen होता है, oxygen होता है, right? Water consists of hydrogen and oxygen both. So जब हमने किसी एक beaker में, you can see over here, in this beaker we have taken water inside, and after taking water,
वी हैव शोन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दो हैं, पॉजिटिव इज़ रेड एंड नेगेटिव इज़ ब्लू. पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, एच पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है, ओ टू नेगेटिव. एच में दो आयन्स होते हैं हाइड वाटर में, एच पॉजिटिव एंड ओ टू नेगेटिव. एंड वी हैव टेकन दीज टू मेटल रॉड्स, ये दो मेटल की रॉड्स ली हैं, कोई भी मेटल, एंड दीज मेटल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जिस भी जो ये स्मॉल वाला है ब्लू वाला, जिसमें हम जो नेगेटिव वाले को जिससे कनेक्ट किया है, तो ये वाली बैटरी नेगेटिव हो जाएगी, और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो ये बैटरी सॉरी ये जो मेटल है पॉजिटिव हो जाएगा. सो हेयर वी कैन से वी हैव टू टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. अब हमें पता है नेगेटिव पे जो है हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, राइट, नेगेटिव पे ऑलवेज पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव पे हमेशा नेगेटिव. ओके, सो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आएंगी. पॉजिटिव क्या थी, एच पॉजिटिव, मतलब इस साइड एच पॉजिटिव आयन्स इकट्ठे होंगे, और इस साइड पॉजिटिव पे नेगेटिव आएगा, तो इस साइड पे ओ टू नेगेटिव आयन्स इकट्ठे होंगे. राइट, वंस वन मोर, यहाँ पे एच पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पे ओ के आयन्स आएंगे. एच के आयन्स कौन सी गैस बना सकते हैं, एच टू देंगे, और ओ के आयन्स क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस. सो फ्रॉम हेयर इट इज़ प्रूव दैट जब हम इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वाटर को डिकम्पोज होके वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैस. सो दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम. एंड दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. मूविंग ऑन टू थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच we are providing heat to break this substance. जो हमने अभी बनाया था कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था ना हमने भी कॉम्बिनेशन में. अब डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, वापस जो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट वॉश होने के बाद जो बना था मार्बल का फॉर्मूला वी हैव स्टडीड, तो वो जो CaCO3 है, दैट CaCO3 कैन फर्दर भी अगर हम इसको हीट कर देंगे ना, तो इट विल फॉर्म्स CaO, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और इस रिएक्शन को होने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है, देन वी आर प्रोवाइडिंग हीट, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन इन विच वी आर प्रोवाइडिंग वॉट, सनलाइट. सनलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू, न्यू इज अ सिंबल फॉर फ्रिक्वेंसी इन वी स्टडी. सो एच न्यू इज अ सिंबल फॉर सनलाइट, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी डिकम्पोजिशन होगी उसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. जैसे हमने AgBr है, AgBr को डिकम्पोज किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वी हैव टू मेंशन ओवर हेयर दैट वी हैव एडेड सनलाइट, नो नीड टू ड्रॉ एनी सन और एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट AgBr एंड ऑन अबव ऑफ दिस एरो, एरो के ऊपर आपको लिखना है एच न्यू, मीन सनलाइट है, हीट नहीं है. और इसको ब्रेक डाउन कर दिया हमने किस में, वी हैव ब्रेक डाउन इट इन टू AgBr, दो चीज़ें बन गई. फ्रॉम वन प्रोडक्ट वी गेट, फ्रॉम वन रिएक्टेंट वी गॉट टू प्रोडक्ट्स. सो दिस इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. एंड दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, AgCl गिव्स Ag+Br. एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ वी कंसिडर द क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच अपीयर्स, देन क्वेश्चन कम्स दैट विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है, देन यू हैव टू नोट इट डाउन दिस रिएक्शन कि AgBr को जब हम हीट करते हैं देन इट टर्न्स AgSilver ग्रे इन कलर, ठीक है. जो सिल्वर है इट टर्न्स, सिल्वर क्लोराइड जो है इट टर्न्स ग्रे इन कलर, या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड हमने जो भी यहाँ पे लिया है, रिएक्शन होने के बाद इट टर्न्स ग्रे इन कलर. ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, देन यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन दैट इट्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सिल्वर इज फॉर्म्ड विच इज़ ग्रे इन कलर, फाइन. एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रे इन कलर दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ऑल्सो. बोथ दीज रिएक्शन AgCl रिएक्शन एंड AgBr रिएक्शन, एनी वन ऑफ दीज रिएक्शन यू कैन राइट decomposition in the presence of sunlight we get silver and chloride.
So we have till now done the combination reaction and decomposition reaction, and this is the reactivity series of metal. The way in which metals react, the most reactive metal from the above, we can see this reactivity is decreasing downward. Most reactive potassium, then sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, and so on. These are the most reactive, then reactivity is decreasing, and these are the least reactive metals over here. So for today, we have done the combination reaction. Combination means when reactants, two or more reactants combine together to form the products, then this reaction is known as combination reaction. Decomposition means when one single reactant breaks down into different products. This is known as decomposition reaction. Decomposition can be in the presence of heat, photo, chemical decomposition, electricity, electrolytic decomposition, and light. Heat is called as thermal decomposition. Electricity is known as electrolytic decomposition, and light is known as photochemical decomposition. So this is electrolytic decomposition. Water ko we have breakdown by passing electricity. Electricity humne yahan pe provide ki hai. We have connected it to the battery. So this is electrolytic decomposition. Aur water jo hai breakdown ho jata hai. Ek side pe hydrogen gas aa jayegi, ek side pe oxygen gas aa jayegi at both the terminals. Then we have thermal decomposition. We have provided heat over here. In the presence of heat, ek substance break ho gaya two different substances mein, to isko thermal decomposition hum bolte hain. Yes, and one more thing, in this thermal decomposition we have a question that jab hum lead nitrate ko heat karte hain, PbNO3, when we heat lead nitrate ko jab hum heat karte hain, on heating we get brown fumes. Question comes, why we get brown fumes on heating lead nitrate? So this is because on breaking of lead nitrate PbNO3 twice, jab hum isko heat karte hain, heat hone pe we get lead oxide PbO, NO2 nitrogen dioxide, and oxygen. These are the three things that we get when lead nitrate is heated. So question aata hai ki kyun lead nitrate ko heat hone pe brown fumes aati hain. Brown fumes kyun aati hain? Because of nitrogen dioxide. You have to write down, when we heat lead nitrate, then nitrogen dioxide is produced after decomposition, and this brown fumes is due to nitrogen dioxide. Okay, this is a thermal decomposition reaction. Then we have studied about photochemical decomposition, in which a substance is decomposed in the presence of what? In presence of sunlight. And this reaction, AGBR and AGCL reaction, these reactions are used in black and white photography, which is important point to be noted over here. Then we have studied that combination reaction is an exothermic, because heat वहाँ पे बाहर आती है, और decomposition reaction is endothermic, क्योंकि heat या फिर energy हम उसको खुद provide करते हैं. So that's all for today. Revise these topics and we'll continue afterwards. Thank you, students.